हेलो दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर आ रही है जो बिहार के नियोजित शिक्षकों से संबंधित है। बिहार में सक्षमता परीक्षा के तहत 1,87,000 नियोजित शिक्षक पास करके राजकर्मी बनने वाले हैं, जिन्हें राजकर्मी बनाने के लिए उन्हें मनपसंद का जिला मिल गया है और उनकी काउंसलिंग जो होगी डॉक्यूमेंट चुनाव के जस्ट बाद शुरू हो जाएगी। चुनाव रिजल्ट के बाद होगी पहली सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक शिक्षिकाओं की पोस्टिंग। किसी को काउंसलिंग और पोस्टिंग का तो किसी को है दूसरी सक्षमता परीक्षा के होने का इंतजार। देखिए दोस्तों, खबर विस्तार से। अंचल के सैकड़ों नियोजित शिक्षकों को जून महीने की बेसब्री से इंतजार है। पहली सक्षमता परीक्षा पास हो चुके नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को पहले काउंसलिंग और फिर पोस्टिंग का इंतजार है। सैकड़ों ऐसे नियोजित शिक्षक है जो फरवरी माह के अंत और मार्च माह की शुरुआत में पहली सक्षमता परीक्षा देने के बाद 29 मार्च को अपना रिजल्ट भी प्राप्त कर चुके हैं, मगर चुनाव आ जाने के सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षक शिक्षिकाओं की न तो काउंसलिंग हुई और न ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं की पोस्टिंग ही हो सकी। रिजल्ट आने के बाद पिछले 2 महीने से सैकड़ों नियोजित शिक्षकों को पोस्टिंग का इंतजार है। वहीं दूसरी सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भर चुके नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के जल्द आयोजन का इंतजार है। चुनाव आ जाने से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 4 जून तक परीक्षा आयोजन को टाल दिया है। ऐसे में नियोजित शिक्षक असमंजस की स्थिति में है। शिक्षकों का कहना है कि बिहार बोर्ड अगर जल्दी दूसरी सक्षमता परीक्षा ले लेती तो सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाओं का तनाव कम हो जाता। बहरहाल हर कोई चुनाव के रिजल्ट के घोषित होने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि रिजल्ट की घोषणा के बाद ही किसी परीक्षा तो किसी की पोस्टिंग का काम पूरा होगा। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आज की बहुत बड़ी खबर में, सरकारी स्कूलों के बच्चे दिखेंगे स्मार्ट, सभी एक परिधान में होंगे, यानी कि सभी बच्चे एक ड्रेस में होंगे, ऐसा शिक्षा विभाग का आदेश है। पीएम ई विद्या ऐप से पढ़ाई में बिहार सबसे आगे। ठीक है दोस्तों, पीएम ई विद्या ऐप से पढ़ाई में बिहार सबसे आगे। पीएम ई विद्या पोर्टल के माध्यम से बच्चों की शिक्षा में बिहार देश भर में अव्वल आया है। शिक्षा मंत्रालय ने इसकी रैंकिंग जारी की है। भागलपुर डाइट द्वारा दीक्षा पोर्टल पर डाले गए कंटेंट का लाभ बच्चों को मिल रहा है। 12वीं तक के बच्चों को इससे दी जा रही विशेष शिक्षा। YouTube पर कंटेंट प्रसारण में बिहार 3रे स्थान पर है। डाइट भागलपुर के अनुसार YouTube पर एक साथ वीडियो कंटेंट प्रसारण में शामिल 15 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश को पहला, असम को दूसरा, जबकि बिहार को 3रा स्थान मिला है। इस कैटेगरी में उत्तराखंड सबसे अंतिम पायदान 15वें नंबर पर काबिज है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आज की बहुत बड़ी खबर और अपडेट में। और पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने बीवी के अफसरों को खाते में वेतन भेजने का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आज पहला दिन है। आधा दर्जन बीवी के अधिकारी हुए हैं शामिल। विश्वविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को सीधे खाते में विभाग से वेतन भेजने की प्रक्रिया पर शनिवार को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान उन्हें इस कार्य के लिए बने पोर्टल और उनके संचालन को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई और उन्हें विश्वविद्यालयवार महाविद्यालयवार लॉगिन और पासवर्ड भी दिया गया। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय के सीधे खाते में पैसा भेजने के लिए यह प्रशिक्षण करा रही है। आज जो है जेईई एडवांस की परीक्षा है, जिसमें चप्पल सैंडल पहनकर जा सकते हैं। परीक्षार्थियों को पहली पाली के लिए 7 बजे सुबह पहुंचना होगा। जेईई एडवांस आज चप्पल सैंडल पहनकर ही जाए। 13,588 छात्र-छात्राएं राज्यभर में परीक्षा में होंगे शामिल। 46 केंद्र बनाए गए हैं पटना समेत राज्यभर के 10 शहरों में। आंसर शीट 31 मई को, 9 जून को जारी होगा रिजल्ट। पाटलिपुत्र बीवी में पीजी वोकेशनल सेमेस्टर 2 और 4 का 29 तक भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं आज जेईई एडवांस का परीक्षा है, जो पूरे राज्य में 40 केंद्र बनाए गए हैं और समय से देखिए कब से समय क्या है। देश के आईआईटी में दाखिल के लिए रविवार को जेईई एडवांस ऑनलाइन मोड में होना है। पहली पाली की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र पर छात्रों को सुबह 7 बजे ही पहुंचने का निर्देश दिया गया है। अभ्यर्थी चप्पल सैंडल पहनकर ही जाए। दूसरी शिफ्ट में 2:30 बजे से 5:30 बजे तक परीक्षा होगी। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो है मनाही क्या क्या है, तो आप मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, माइक्रोफोन, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेकर जाना है। ना ही अंगूठी, रिंग, ब्रेस बेल्ट, इरेजिंग, नोज पिन, तभी झुमके, चेन, हार, लटकन, बेच, ब्रोच, बड़े बटन वाले कपड़े जैसे चीज़ें परीक्षा केंद्र पर पहनकर आना नहीं है। छात्रों को प्रवेश पत्रों पर दिए गए बारकोड को बारकोड रीडर के माध्यम से पढ़कर
परीक्षा केंद्रों में एंट्री की पॉइंट पर उन्हें परीक्षा देने के लिए लैब आवंटित किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं जो आज की बहुत बड़ी अपडेट है जो बिहार में नियोजित शिक्षकों से संबंधित है। नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, 4 जून को लोकसभा चुनाव का अंतिम, 1 जून को ही लोकसभा चुनाव का अंतिम दिन है और 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा और देश में एक नए प्रधानमंत्री बनने की कगार पर होंगे, क्योंकि 4 जून को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद में किस पार्टी का कितना सीट आएगा वह क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं आज की पल पल की अपडेट आपको देने का प्रयास की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पल पल की अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहें। देखिए दोस्तों, बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित जो भी खबर होती है वह हर पल आपको दिया जाता है, इसलिए वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें।